मैं शरण आईटी आज आम आदमी पार्टी का प्राइमरी मेंबरशिप रिजाइन किया हूँ। क्यों बोले तो आम आदमी के कलबुर्गी नॉर्थ का टिकट 2 करोड़ रुपए में बिक गया है। कलबुर्गी का आम आदमी पार्टी का नॉर्थ टिकट एक माइनॉरिटी लीडर को देने के लिए बीजेपी वाले 2 करोड़ रुपए में खरीदे सो है। कौन? बीजेपी वाले 2 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी का नॉर्थ टिकट खरीदे हैं। किन के लिए खरीदे हैं? एक माइनॉरिटी लीडर उधर ठहरा करना, आम आदमी का नॉर्थ में ठहरा करके वोट स्प्लिट करना, उन्होंने 8-10 हज़ार वोट लेना बोल के ये भी टारगेट दिए गए सो है। नॉर्थ में कितना पार्टीज है? हाँ, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, एमआईएम, एसडीपीआई, आम आदमी, ये 6 मेन पार्टी में 5 जने का कैंडिडेट माइनॉरिटी का है। 5 जने को माइनॉरिटी लड़ाना, पूरा माइनॉरिटी वोट स्प्लिट होना, डिवाइड होना, बीजेपी जीत के वन साइड आना बोल के ये पूरा साजिश है। आज के दिन क्या चल रहा है बोले तो सभी पार्टी में, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी पार्टी इंक्लूडिंग, सब में करप्शन का हाल चल रहा है। नमस्ते सभी कलबुर्गी आवाम को मेरा नमस्कार और सलाम। मैं शरण आईटी, शरण आईटी बोले तो गुलबर्गा में जान गया है कि करप्शन के सामने फाइट करने वाला शरण आईटी कॉरपोरेशन कमिश्नर, एक्स कॉरपोरेशन कमिश्नर को जेल भेजे, तालाब का काम करप्शन था उसमें स्टॉप करवाए, और नाड़ा कचहरी में ट्रांसपेरेंसी लाए सो शरण आईटी, और कई 132 करोड़ का शू सॉक्स स्कैंडल कर्नाटक में बाहर लाने वाला शरण आईटी, ये सभी हम करप्ट सिस्टम के सामने आवाज़ उठा के कलबुर्गी में करप्शन कितना हो रहा, कर्नाटक में करप्शन कितना हो रहा बोल के ओपनली हम बाहर लाए सो है। बट आज के दिन क्या चल रहा है बोले तो सभी पार्टी में, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी पार्टी इंक्लूडिंग, सब में करप्शन का हाल चल रहा है। मैं ताज़ा ये बताना चाह रहा हूँ, आज मैं आम आदमी पार्टी का प्राइमरी मेंबरशिप को रिज़ाइन किया हूँ। मैं शरण आईटी आज आम आदमी पार्टी का प्राइमरी मेंबरशिप रिज़ाइन किया हूँ। क्यों बोले तो आम आदमी के कलबुर्गी नॉर्थ का टिकट 2 करोड़ रुपये में बिक गया है। हाँ, ये सोर्सेस के हिसाब से मेरे को न्यूज़ आया है, कलबुर्गी का आम आदमी पार्टी का नॉर्थ टिकट एक माइनॉरिटी लीडर को देने के लिए बीजेपी वाले 2 करोड़ रुपए में खरीदे सो है। कौन? बीजेपी वाले 2 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी का नॉर्थ टिकट खरीदे हैं। किन के लिए खरीदे हैं? एक माइनॉरिटी लीडर उधर ठहरा करना, आम आदमी का नॉर्थ में ठहरा करके वोट स्प्लिट करना, उन्होंने 8-10 हज़ार वोट लेना बोल के ये भी टारगेट दिए गए सो है। 2 दिन पहले रात में 12:30 बजे मीटिंग हुआ है एक कलबुर्गी में, बीजेपी लीडर एक कलबुर्गी का, ये लोग का साजिश है। क्यों? आप इतना जानिए नॉर्थ के सभी वोटर्स, ये क्यों किस लिए हो रहा बोल के। क्यों बोले तो नॉर्थ में कितना पार्टीज है? हाँ, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, एमआईएम, एसडीपीआई, आम आदमी, ये 6 मेन पार्टी में 5 जने का कैंडिडेट माइनॉरिटी का है। इतना दिन 4 जने का था, कांग्रेस का माइनॉरिटी, जेडीएस का माइनॉरिटी, एसडीपी का ऑलरेडी फाइनल हुआ माइनॉरिटी, और एमआईएम का, ये छोड़ के भी 5वां कैंडिडेट बीजेपी वाले ग्राउंड पे उतारते माइनॉरिटी बोले तो, ये उनका स्ट्रैटर्जी है बीजेपी वाले का। क्या बोले तो 5 जने को माइनॉरिटी लड़ाना, पूरा माइनॉरिटी वोट स्प्लिट होना, डिवाइड होना, बीजेपी जीत के वन साइड आना बोल के ये पूरा साजिश है। हाँ, हम लोग, हाँ हम कल रात में नए बोले तो 100 लोगों का कार्यकर्ता का मीटिंग किए, हमारा वेल विशर, सभी क्या बोलते, ये लोग बिक गए, आम आदमी के स्टेट लीडरशिप और आम आदमी के टिकट देने वाले बिक गए, माइनॉरिटी लीडर को पैसे दे के दे रहे बीजेपी से बोले तो, यू नो बेंगलुरु लेवल बुक हुए सो है। हाँ, ऐसा हुआ तो कैसे सभी कार्यकर्ता पार्टी से रिजाइन किए सो है? वो सभी क्या बोल रहे बोले तो, हम आपके साथ रहते दिन रात, कौन करप्शन के अपोज फाइट करते हैं ना, करप्शन निकालना चाहते अगेंस्ट फाइट करते ना, उनका साथ है बोल के। क्यों बोले तो हम क्यों पार्टी को आए, आम आदमी को, हाँ क्यों? बीजेपी एक बड़ा पार्टी था छोड़ के आए बोले तो, इधर आम आदमी में प्रिंसिपल है करप्शन के अगेंस्ट फाइट करते बोल के वो सोच के आए थे, वो भी बिक गया। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ हमारा हौसला बचा है, शरण आईटी और कई कार्यकर्ता आम आदमी छोड़े सो है वो लोग, और हमारा वेल विशर्स, हाँ हंड्रेड्स टुगेदर, वो लोग मेरा हाथ को मजबूत कर रहे हैं, वो लोगों का एक ही एजेंडा है, एक ही क्लैरिटी है, हम लड़ेंगे कब तक,
मरने तक, आखिरी सांस रहने तक भ्रष्टाचार कलबुर्गी भ्रष्टाचार रहित करने के लिए हम फाइट करेंगे। हम कैसे भी हों दो ये मोमेंटम को हम नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी भाड़ में जान दो बोल के उन्होंने भी बुक होते बोले तो सिर्फ आम आदमी का क्या था प्रिंसिपल करप्शन अगेंस्ट फाइट करने का, वही लोग भी गए तो ये क्या है? ऐसा हुआ तो कैसा सियासत बचेगा? आपको कैसे मालूम था 2 करोड़ में टिकट बिकी है वो कैसे? आप देखो भाई, मैं आपको टाइम देता हूँ, 8 दिन का मोहलत देता हूँ। नॉर्थ में माइनॉरिटी लीडर का अनाउंस नहीं हुआ बोले तो मुझे बोलो, ऑलरेडी बुक्ड, हाँ दे कॉल्ड एंड दे टोल्ड मी, हाँ बोले तो हम माइनॉरिटी के पास ये हुआ बोल के क्लियर कट है। हाँ आपको भी पता है मैं कितना लड़ा, हाँ माइनॉरिटी के लिए और करप्शन के लिए, सब कास्ट कम्युनिटी में नहीं देखा इधर, हाँ कितना कुछ प्रोग्राम किए मैं अकेला कर्नाटक में, कौन भी नहीं किए। इलेक्शन प्रिपरेशन मीटिंग 400 कार्यकर्ता था, आप लोग भी वीडियो देखिए 400 लोगों का, इतना कार्यकर्ता का बल मेरा पास ही है, कर्नाटक किसी कैंडिडेट के पास नहीं है। फिर भी वो लोग का सोच क्या है बोले तो पैसा पैसा पैसा, हम पैसा नहीं सोच रहे, पैसा नहीं सोचते, हम सिर्फ करप्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। उसके लिए हम कभी भी है 24/7 पब्लिक का कुछ भी हेल्प रहने दो, मुझे कॉल कीजिए मेरे नंबर को, मैं आपको हेल्प करने आऊँगा। और कुछ भी करप्शन कहाँ भी ले रहे बोले तो बोलिए, उनको पकड़ाएंगे, उन्होंने कौन भी रहने दे बोले तो। हम बोक होने वाले को सपोर्ट नहीं करते हैं। आप देखिए दिल्ली में भी क्या चल रहा, सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में है, आम आदमी पार्टी के मंत्री, उनको बाहर आने नहीं हो रहा, क्यों बोले तो ऑलरेडी उनका एविडेंस इतना सारे है कि कोर्ट के जज भी बेल नहीं दे रहे। और मनीष सिसोदिया, हाँ उप मुख्यमंत्री डेप्टी मिनिस्टर को भी अरेस्ट करे, उन्होंने भी रिजाइन किए, दोनों जने रिजाइन किए, छोड़ दिए। हम केजरीवाल सर को कितना भी ये किए तो उन्होंने कैसा है बोले तो किनका सबको मिनिस्टर दिए, उन्होंने के पास कुछ भी नहीं रख लिए, सिर्फ उन्होंने ऑपरेट कर रहे, सबको ऑपरेट करके ये काम कर रहे बोले तो। ये लोग क्या एक रेवोल्यूशनरी करना चाह रहे थे, एक अभी एक बार हम स्वतंत्र लेना है बोल के एक सबका माइंड में डाले थे, वो कहाँ है आज के दिन में? आप भी करप्ट होते बोले तो बहुत शेमलेस है, हाँ इट इज़ अ शेमलेस टू द आम आदमी पार्टी। और मैं इतना बताना चाहता हूँ, आप किसी को भी पूछिए आज के दिन में कलबुर्गी में कर्नाटक में 80% आम आदमी कार्यकर्ता छोड़ गए हैं, निकल गए हैं। क्यों निकल गए बोले तो वो सभी प्रिंसिपल के ऊपर आए से पार्टी, वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने का बोले तो वो लोग निकल गए। आप कितने सारे वीडियो देखो, सिर्फ मेरा कर्नाटक में मेरा उतना कौन भी करप्शन के अपोज फाइट नहीं किए, वो सभी मेरा वीडियो डाल के बेंगलोर स्टेट टीम वाले फंडिंग के लिए सबके पास फंड कलेक्ट करके इलेक्शन के लिए फंड कलेक्ट किए, बट दे वांट ओनली ऐसा काम करने वालों को दिखाना, पैसा लुटाना, उतना ही उनका काम है। कई दिनों से गुलबर्गा में एमएलए नॉर्थ के लिए, तो अभी आप कोई दूसरी पार्टी में ज्वाइन होते हैं या? नहीं नहीं सी, हमें कौन सा भी पार्टी में ज्वाइन नहीं होगा, मुझे क्यों बोले तो कांग्रेस भी करप्ट है, बीजेपी देखिए 8 करोड़ रुपए मिल गया एक एमएलए के घर पे, और जेडीएस भी करप्ट है, हाँ सभी करप्ट है, हाँ आम आदमी भी करप्ट हो गया, कौन सा पार्टी है? नहीं, कौन सा पार्टी में भी नहीं जाऊंगा मैं, हमारा कार्यकर्ता हमारा वेल विशर्स मेरा सपोर्ट में है ऑलवेज, हम नॉर्थ में इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, हाँ और हम इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करेंगे। कलबुर्गी सिटी नॉर्थ और साउथ के लिए एक मजबूत करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने वाले को हम ढूंढ निकाल के उनको कंटेस्ट करेंगे, करवाएंगे। और कौन कौन मेरा साथ देना चाहते हैं ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को पहुंचाइए, क्यों बोले तो ये फाइट सबके लिए है, आपके लिए है, करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने वाले के लिए है, ये सोशल वीडियो है, सोशल फाइट है ये, क्यों बोले तो अभी एक बार हम जंग करना है, वो जंग के लिए सभी सोल्जर रेडी होना है, मैं भी रेडी हूँ, सब मिलके ये करप्ट सिस्टम को करप्ट पॉलिटिक्स को लड़ेंगे, ये लोगों को हटाएंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। जय हिंद।